ज्योग्राफी का सिलेबस इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, इसमें से इंट्रोडक्शन क्लास का दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग ज्योग्राफी का सिलेबस देख रहे हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ना है बेसिक टू एडवांस लेवल पर। ठीक है, तो उसमें हम लोग कल की क्लास में देख लिए थे भौतिक भूगोल। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, भौतिक भूगोल कहने मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, तो कल क्लास में हम लोग देखे थे फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखने से पहले है ना आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। ठीक है, और आपको कहीं भी सस्पेंस है, कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया है। ठीक है, आप मुझे रिकमेंड करें कि मुझे किसी चीज़ पर अगर वीडियो बताना हो, पढ़ाना हो किसी टॉपिक लेकर, ठीक है तो मुझे बताएं। ठीक है, अभी मैं ज्योग्राफी ले रहा हूँ तो आप ज्योग्राफी से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा, बट अभी ओनली ज्योग्राफी चल रहा है। ठीक है, अब प्लेलिस्ट में जाएंगे। ठीक है, ड्रीम सक्सेस पॉइंट पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में दो मिलेंगे। ठीक है, पहला आपका ज्योग्राफी क्लास जो चल रहा है, ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास जो कल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कल से स्टार्ट हुआ है ज्योग्राफी क्लास, वो मिलेगी आपको। और दूसरा जो क्लास चल रहा है वो आपका वर्ल्ड मैपिंग चल रहा है, वर्ल्ड मैपिंग क्लास चल रहा है। ठीक है, दोनों क्लास मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें वर्ल्ड मैपिंग है, इस ज्योग्राफी क्लास है, ज्योग्राफी क्लास कल से स्टार्ट हुआ है और ये वर्ल्ड मैपिंग एक वीक से चल रहा है, एक सप्ताह से चल रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड मैपिंग क्लास आप देखें, प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आप देखें। ठीक है, और सारे वीडियो प्लेलिस्ट में आप सीरियल से देखें, सीक्वेंस से देखें। ठीक है, और वीडियो को स्किप ना करें, आपको समझ नहीं आएगा स्किप करने पे। ठीक है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग देखे फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग कल देखे थे, तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग कल क्या क्या देखे थे, फिजिकल में हम लोग देखे थे, फिजिकल में हम लोग देखे थे भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। दूसरा जो था जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान। तीसरा जो था समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान। और चौथा जो था जैव भूगोल। ठीक है, पहला जो था भू आकृति विज्ञान, दूसरा जलवायु विज्ञान, तीसरा समुद्र विज्ञान और चौथा था जैव भूगोल। ठीक है, ये जो हम लोग देख रहे थे ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी में चार आएंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में चारों आएंगे। ठीक है, ये जो चारों आएंगे ये फिजिकल ज्योग्राफी में आएंगे। ठीक है, तो कल के क्लास में तो आप लोग बता दिए थे कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर चार चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, कौन कौन पढ़ेंगे। पहला जो है भौतिक भू आकृति विज्ञान, पहला पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान, दूसरा जलवायु, तीसरा समुद्र विज्ञान और चौथा जैव भूगोल। ठीक है, अब देखिए भू आकृति विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आप लोग को कल बता दिए थे फिर भी डालते हुए फिर इसमें देखेंगे पृथ्वी की सतह पर उपस्थित, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर निर्मित पर प्राकृतिक द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन, जिसमें से बता दिए थे हम क्या क्या था, पर्वत, पठार, नदी, झील, झरना। ठीक है, नदी, झील, झरना, गर्त, समुद्र। ठीक है, मरुस्थल, घास का मैदान। ठीक है, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जलवायु का।
जलवायु के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे, जलवायु विज्ञान है ठीक है, जल वायु ताप दाब वर्षा, जल जल वायु ताप दाब वर्षा का अध्ययन, जलवायु वायु दाब ताप समुद्र का अध्ययन करेंगे, समुद्र का अध्ययन और जैव भूगोल के अंदर में मृदा जंतु पादप, पादप नहीं वनस्पति करते हैं, वनस्पति का अध्ययन ठीक है। तो इसमें हम लोग इतना चीज का अध्ययन करेंगे, जैव भूगोल में मृदा वायु, जैव भूगोल में मृदा जंतु वनस्पति ठीक है, मृदा जंतु वनस्पति, समुद्र में समुद्र का अध्ययन करेंगे, जलवायु में जल जल वायु ताप दाब वर्षा तापमान इसमें करेंगे, आभू आकृति में पृथ्वी पर उपस्थित जो स्थलाकृतियाँ हैं जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित है। आज हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर मानव भूगोल। मानव भूगोल जो है अध्ययन का मेन केंद्र होगा, अध्ययन का केंद्र बिंदु जो होगा, अध्ययन का केंद्र बिंदु जो होगा वो कौन होगा, मानव ठीक है। मानव भूगोल में अध्ययन का केंद्र कौन होगा, मानव द्वारा किए गए क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, मानव द्वारा किए गए क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है ठीक है, मानव द्वारा किए गए क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है किसमें, मानव भूगोल में, मानव द्वारा किए गए क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो क्यों करेगा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं का पूर्ति के लिए ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठीक है। तो कौन सी आवश्यकताएं क्या है, आर्थिक क्रियाएं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करेगा, आर्थिक क्रियाएं ठीक है। कौन कौन आती हैं, प्राथमिक क्रियाएं, ये प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं और चतुर्थ चतुर्थ क्रिया है ठीक है। प्राथमिक क्रिया के अंदर हम देखेंगे कृषि, शिकार, मत्स्य और फल फूल इकट्ठे करना, ठीक है ये प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया के अंदर हम कृषि, शिकार, मत्स्य, फल फूल का इकट्ठे करना है, ये सारे हमारे किसमें आएंगे, आर्थिक क्रियाएं में आएंगे। द्वितीय क्रियाएं किसमें आएंगी, द्वितीय क्रियाएं आएंगी जिसका संबंध औद्योगिक क्रियाओं से संबंधित है, मतलब उद्योग से, परिवहन,
संचार और व्यापार, तीन हो गए, ठीक है। चतुर्थ में है अनुसंधान, अनुसंधान, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे आर्थिक क्रियाएं में चार क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं में चार क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय और चतुर्थ। तो इसमें प्राथमिक क्रियाएं बात करें, प्राथमिक क्रियाएं में मेरा आएगा कृषि, शिकार, मत्स्य, फल फूल इकट्ठे करने, ये सारे हैं प्राथमिक में। द्वितीय क्रियाएं जो उद्योग में आते हैं, कल कारखाने में आते हैं। आर्थिक क्रिया के लिए आवश्यकता, ठीक है, आर्थिक क्रिया के लिए आवश्यकता क्या पड़ेंगे, आर्थिक क्रिया हो गया तो उसके लिए आवश्यकता मुझे क्या पड़ेंगे। तो आर्थिक क्रिया के जैसे हम लोग करते हैं प्राथमिक क्रिया, ठीक है। प्राथमिक क्रिया के लिए हम अगर कृषि कर रहे हैं, ठीक है, कृषि, भूमि, जल, बीज, उर्वरक, मानव, कृषि के लिए क्या भूमि, जल, बीज, उर्वरक और मानव की आवश्यकता पड़ेंगी, ठीक है। उद्योग के लिए सबसे पहले हमको चाहिए कच्चा माल, इसके लिए भूमि, जल, सस्ता श्रम। उद्योग के लिए कच्चा माल, भूमि, जल, सस्ता श्रम और बाजार से। सारे क्या हो गए, संसाधन, ये सारे क्या हो गए, संसाधन। ये भी हमारा क्या हो गया, ये संसाधन, संसाधन। आर्थिक भूगोल, संसाधन भूगोल, बस्ती भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और नगरीय भूगोल। देखिए मानव भूगोल के अंदर में, मानव भूगोल के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल, संसाधन भूगोल, बस्ती भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और नगरीय भूगोल। आज हम लोग बस इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे जिसमें से हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का, फिर चल रहा क्लास, नेक्स्ट क्लास हम करेंगे। और आप लोग को जो कमेंट है कमेंट करें, जो आपको लोग को डाउट है कमेंट, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कमेंट का आपको जवाब जरूर देंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, ठीक है। जय हिंद।